सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन. सो जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो ये पूछ रहे थे कि मैम, आपने भी एकलव्य स्कूल का फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, HPSC का किया है या नहीं किया है, कौन सा एग्ज़ाम दोगे, कितना सिलेबस हो पाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप से, कितना नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये क्लियर कर देते हैं कि जो एकलव्य स्कूल की वैकेंसीज निकली हुई थी PGT कॉमर्स की, वो हमने फिल की हैं और HPSC की भी फिल की हैं. क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी का यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उससे एक सिक्योरिटी हो जाती है. भाई सभी को चाहिए, हमें भी चाहिए, हमने भी फॉर्म फिल किया है. अब देखना होगा, वैसे टाइम तो इतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, बट यही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है. दोनों एग्ज़ाम देंगे, ठीक है. अगर कोई ज़्यादा ही वैसी बात रही तो अलग बात है, वरना एग्ज़ाम तो देखो देना ही है. सीधी सी बात है, फॉर्म फिल किया है तो किस लिए किया है? एग्ज़ाम देने के लिए ही किया है. वैसे तो इतनी इतनी फीस हम करेंगे नहीं, क्योंकि एकलव्य की तो वैसे भी 1500 फीस रखी गई थी. तो सीधी सी बात है, एग्ज़ाम देने के लिए ही हमने जो है फॉर्म फिल किया है. और उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी भी हम साथ साथ करवा रहे हैं. देखो जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है उतनी तैयारी हम करवा रहे हैं. अब कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम, जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही हमारी तैयारी करवा रहे हो, या आप इससे कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हो. देखो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने से ज़्यादा आपको करवाने की, क्योंकि देखो हर एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अगर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने में, लिखने में और उसके साथ साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सॉरी. तो मोस्टली 70% सिलेबस की मैंने बताया भी था कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि जब एचटेट का एग्जाम आया था तो 70% सिलेबस तो मेरा वैसे ही अपलोडेड है. वो वीडियो आप देख सकते हो. जिसकी भी वीडियो नहीं मिलेगी वो मैं डेली जो है बेसिस पे, जो जो न्यू थे, क्योंकि सबसे पहले हम HPSC का सिलेबस एक बार कवर कर ले. क्योंकि एकलव्य स्कूल की जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो हमें यही है कि HPSC से शायद इसका एग्ज़ाम बाद में ही होगा, तो पहले इस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है. और इससे तो बहुत ही कम है एकलव्य स्कूल का सिलेबस. हाँ ये है कि उसमें आपको अदर्स भी तैयारी करनी होगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये भी हैं आपके. बट जो हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स का उसका सिलेबस कम है, HPSC का सिलेबस ज़्यादा है. और कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम का लेवल आएगा वो HPSC का हाई आएगा. जो आपका एकलव्य का है वो जो लेवल के VS का और NVS का आता है शायद उसके जैसा ही आएगा, ठीक है. और वही बात है, कंफर्म तो देखो एग्ज़ाम होने के बाद ही, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तो एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है. तो मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है मैं उसका पूरा आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प की जा सके, ठीक है. और बाकी देखते हैं, अगर हो पाया तो द पॉसिबल है, हो पाया तो द बेस्ट. पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रहा है, पूरा दिन यही टेंशन रहती है कि कहीं बच्चों का सिलेबस ना रह जाए. मैंने प्रॉमिस तो कर दिया, कहीं वो मैं पूरा ना कर पाऊँ. देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाने की, और मेरा मेन मकसद यही है कि जो बच्चे किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, जो सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, उनका कम से कम कुछ तो हेल्प हो पाए. और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की. आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हो, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो उनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. मुझे ये रहता है कि बच्चे तुमसे उम्मीद लगाए हुए हैं तो मुझे भी उस उम्मीद पर खरा उतरना है. बिल्कुल 100% मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. और एक लड़की कह रही थी, एक मेरी फ्रेंड है, जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो वो कह रही थी कि तू अपना ही कंपटीशन तैयार कर रही है, ठीक है. तो बात रही कंपटीशन की, ऐसे तो देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी तरफ से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो द बेस्ट है. कंपटीशन वगैरह तो देखी जाएगी भाई, वो तो देखो जिसका जो होना है वो होना है भाई. अपनी तरफ से सब बच्चे कोशिश करेंगे, और जो मैं करवा रही हूँ उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा भी कुछ कीजिएगा, ठीक है. वैसे तो मैं ऑलमोस्ट टॉपिक के जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ऐसे रियलिटी में कोई शेयर नहीं करता, बट मैं शेयर कर रही हूँ. तो आपको भी सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है. तो सपोर्ट दीजिएगा, वैसे आपका जो सपोर्ट है मिल भी रहा है, थोड़ा सा और दीजिएगा ताकि मैं और वीडियो डेली अपलोड करने की इच्छुक हो सकूँ. क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जुड़े तो हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं. देखो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ भैया, हमारे साथ बहुत सारे बंदे जो जुड़े हुए हैं वो अच्छे पढ़ रहे हैं. लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मन ही नहीं मान रहा कि भैया आप अपना 100% देने को तैयार हो, ठीक है. तो मोटिवेट रहिएगा, कीजिएगा कुछ, आप कम से कम कोशिश तो कीजिएगा. आप अभी पहले ही हार मान के बैठ जाओगे तो कैसे क्या कुछ हो पाएगा, ठीक है. तो
तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, यही कहना था। दोनों एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं, दोनों एग्ज़ाम देंगे, आप भी देंगे, हम भी देंगे, ठीक है। और अगर सेंटर साथ में आया तो मिलेंगे भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं इससे, ठीक है। थैंक यू।